एक सवाल SCL मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के है। सरदार मनजीत सिंह जी का सवाल है। SCL मैन्युफैक्चरिंग का शेयर ले रखे हैं, 1940 का भाव है, तो बहुत गिरावट हो गई। अब कंपनी भी जेन्युइन नहीं लग रही, तो बताएं क्या करें। तो जब आपको खुद ही मनजीत साहब, जब कंपनी जेन्युइन नहीं लग रही तो आपको बहुत पहले इस पर रिसर्च कर लेना चाहिए था, और बल्कि रिसर्च करने का सबसे अच्छा समय होता है, या सलाह मांगने का भी सबसे अच्छा समय होता है निवेश करने से पहले। निवेश करने के बाद आमतौर पे तो तब सलाह मांगी जाती है जब लगता है कि फंस गए। तो सबसे बढ़िया रहता है कि निवेश के लिए अगर किसी को अपने रडार पर ला रहे हैं, खुद भी रिसर्च करिए और फिर सलाह ज़रूर लीजिए, चाहे वो सोमेश जी जैसे विशेषज्ञ हैं या फिर आप खुद अपना कोई एक जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, आप उनसे खुद व्यक्तिगत संपर्क करें, जो भी तरीका अपनाएं, लेकिन रिसर्च अगर खरीदारी से पहले करें तो बेहतर है। लेकिन फिलहाल अब आप खरीद चुके हैं तो फिर जो भी यहाँ पर उचित सलाह होगी, सुमेश आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? आप इसका चार्ट लगा लीजिए स्क्रीन पे, उसके बाद मेरे से ज्यादा आप ही बोलेंगे। आप उत्तरांचल का कोई भी पहाड़ देख लीजिए जिसपे बर्फ जमा हो, वही है, कोई व्यू नहीं हो सकता। मंजीत सिंह जी, आप दिल पे पत्थर रखिए, निकल जाइए, कुछ अच्छी चीज ढूंढ लीजिए, इनका कोई भरोसा नहीं। और पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो सर्किट वाली सिचुएशन है, इसमें मैं भी एनालिसिस करने में क्या इनपुट लगाऊं, मेरा जो मॉडल आउटपुट है वो मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे निकल जाइए, जब कंपनी पे भरोसा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है इसमें रह के, और जो भी पैसा बचता है उसको अच्छे कंपनी में लगाइए, बहुत अच्छी चीजें हैं खरीदने। ये मुझे वैसे देख के सच में आप क्या कहा जाए इस चार्ट पे, वाकई मतलब आपने कहा कि मैं खुद ही सब कुछ बोलूंगा, मैं तो स्पीचलेस हो रहा हूँ, मतलब मुझे शब्द ही नहीं सूझ रहे हैं कि इस पर क्या बोलूं मैं। मतलब कई ऐसे शेयर होते हैं जिनमें कभी कभी एक सर्किट वाला दौर आता है, फिर सर्किट में चढ़ता है, सर्किट में उतरता है, उसके बाद फिर कहीं पे जाके कंसोलिडेट करने लगता है, या कह लीजिए कि सो जाता है। वो ये कि इसलिए होता है क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो पर्पस होता है वो सज चुका होता है, वो उस खेल से बाहर हो चुके होते हैं, उसके बाद उसमें कुछ होता नहीं है उस शेयर में, इसलिए वो सो जाता है। यहाँ पे तो पता नहीं कौन से खिलाड़ी हैं जो मतलब ऊपर नीचे झुलाए जा रहे हैं। आपके चार्ट में मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें प्राइस लाइन कौन सी है और इंडिकेटर लाइन कौन सा है, सब एक ही दिख रहा है मुझे। नहीं नहीं, जो भी है मंजीत सिंह की, पहली चीज तकलीफ की बात है कि आपको इसमें बहुत ह्यूज लॉस हो रहा है, लेकिन हम चाह के भी इसमें आपकी कोई मदद कर नहीं सकते, क्योंकि मदद करने के लायक ये है ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि जो हुआ सो हुआ, उसको ट्यूशन फी बोल के जाने दीजिए और उसको कहीं और अच्छे जगह इन्वेस्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए कि 3000 आपने कितने पे लिया, मैं तो प्राइस देखना ही भूल गया था मैं, लेकिन आपने मान लीजिए 2000 का भी अगर ये 700 रुपये हो गया है तो भी ऐसा नहीं है, आप अच्छा स्टॉक खरीदेंगे तो 3-4 साल में स्टॉक आराम से अपना डबल होने के चांसेस सारे स्टॉक्स में रहते हैं, अगर 20-25% रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो। थोड़ा टाइम देंगे तो रिकवर भी होगा और अच्छे क्वालिटी में और अच्छी नींद भी आएगी, इसमें तो नींद ही नहीं आएगी खरीदने। जी बिल्कुल। तो फिलहाल अभी इस शेयर के बारे में कुछ भी, कोई टेक्निकल फंडामेंटल, कोई नज़रिया इसमें हो नहीं सकता है, इसलिए आपको क्या सलाह दी जा सकती है सिवाय इसके कि बेहतर है कि ऐसे शेयरों से दूर रहिए।